मुरादाबाद में लोकसभा चुनावों में वैसे तो शांतिपूर्ण से मतदान चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ईवीएम में खराबी भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही मामला मूढ़ा पांजे के बूथ संख्या 193 पर देखने को मिला। यह ईवीएम मशीन सुबह 9 बजे वोटिंग के दौरान खराब हो गई थी, जिसको 12 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मतदाताओं के हंगामे के बाद बदला है। सर, यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि आपकी जो मतदाता हैं कि ईवीएम मशीन आपकी लगभग सुबह से खराब चल रही है, क्या इसके बारे में आपने किसी जिला स्तर अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी है, क्या मामला है? अभी सर आने वाले हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात हो गई है, मुश्किल 5-10 मिनट का आएगा। लोगों का ये भी कहना कि ये जो एक यादव या मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बूथ है, इसलिए यहाँ इस तरह की ईवीएम को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम आई है वो मशीन की है, तो मशीन में जो एरर आई है उस तरह से उनकी बात की गई है। लगभग कितनी देर से मतदान रुका है? ये सर आधा घंटे के आसपास। तो साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह मतदान को लेकर जो पीठासीन अधिकारी है वो अपनी लापरवाही बरते हुए हैं, और जो यहाँ हंगामा काट रहे हैं वो सीधे तौर पर वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। नसीम राम सिंह मुरादाबाद। 19 का राउंड चल रहा है, लेकिन इसमें लोकसभा 8 के बूथ पर आशा की ईवीएम मशीन को लेकर खासे लोगों में नाराजगी है, क्योंकि ईवीएम लोगों का कहना है कि 1-1.5 घंटे से बंद पड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ मतदाता हैं, आप बात करते हैं उनसे। अच्छा सर, ये बताइए कितने समय से ईवीएम? लगभग सर 2 घंटे से मशीन जो खराब है यहाँ पर, लगभग सुबह से अब तक 150 वोट पड़े हैं इस तो केवल। लोगों का इसमें किस तरह से परेशानी आ रही है? सर ये पुलिस प्रशासन की जो है लापरवाही है यहाँ पर ना, यहाँ पर मूढ़ा पांडे लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, लगभग 15 मिनट में मशीन आ जानी चाहिए थी। बार बार ये कह रहे हैं ये लोग मशीन खराब है, और सुबह से ही मशीन इनके अटक अटक के चल रही है और भजा रहे हैं धूप में, धूप बिल्कुल गलत बात है। सुबह से अब तक लगभग लगभग 5 मिनट में एक वोट पड़ रहा है, लगभग 150 वोट फुल पड़े हैं। साहब दो औरतें भूखी, उनके पेट में दर्द हो रहा है, अंदर जाकर देख लो, और वो अब तक फाके से बनी है, उनका वोट अभी तक नहीं पड़ा। दो औरतों के पेट में दर्द हो रहा है, दूसरी लाइन में लगातार लगातार वोट पड़ रहा है, लेकिन इसी लाइन में नहीं पड़ रहा है वोट। लगभग 150 वोट कुल सुबह तक पड़ रहा है। साफ देखा जा सकता है कि वोटरों के मन में बिल्कुल साफ तरह से कहना है कि ईवीएम मशीन को लेकर बिल्कुल भी यहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है, और इसमें कोई भी अधिकारी अभी तक ईवीएम को ना ठीक करने के लिए आया है और न ईवीएम की कोई भी समस्या को दूर करने का कर्मचारी मौजूद है। अभी तक जाने वाली है।